Yes. Now our chapter 5 in previous class, we start. In this previous period, we discuss forms of water. Chapter number 5, water for life. Okay, अब देखो फॉर्म्स ऑफ वाटर में हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये थ्री फॉर्म्स में जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज में रखते हैं तो वो सॉलिड का रूप पकड़ लेता है यानी आइस बन जाता है, और जो गैस होती है पानी को जब हम हीट करते हैं तो वो गैस का रूप लेते वाटर वेपर बन जाती है उसकी। ओके, अब देखो ये तो हो गए अपने फॉर्म्स ऑफ वाटर, आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ वाटर। ओके, यूजेस ऑफ वाटर, वी यूज वाटर फॉर मेनी पर्पजेस इन आवर डेली लाइफ। यस, हम बहुत से अलग अलग पर्पज के लिए पानी अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ द वाटर एज इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, देन इट इज यूज फॉर बाथिंग, कुकिंग फूड, क्लीनिंग थिंग्स लाइक यूटेंसिल्स एंड फ्लोर, वॉशिंग द क्लॉथ्स एक्सेट्रा। वाटर इज ऑल्सो यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, दिस इज द मेन। इस पैराग्राफ में आपको मेन यूजेस ऑफ वाटर बताए हुए हैं। पहला क्या आएगा, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, और अब हम देखते हैं आपको देखो वॉशिंग एंड एक्सटिंग्विश फायर। वॉशिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने के लिए हम पानी को यूज करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर यानी पानी, पानी हम दो दिन से कर रहे हैं, पानी के बारे में पढ़ रहे हैं, पानी के बारे में समझ रहे हैं, उसके अलग अलग फॉर्म्स देख रहे हैं, पानी का यूज देख रहे हैं, लेकिन ये पानी आता कहाँ से है? सोर्सेस ऑफ वाटर। अब सोर्सेस ऑफ वाटर में देखो, वी फाइंड वाटर, हम पानी कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ है पानी? ओशियन, महासागर, रिवर्स, नदियाँ, लेक, झील, पॉन्ड, तालाब, झरने, कुएं, यहाँ हमें पानी दिखाई देता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर भी हमें पानी दिखाई देता है। जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं? फ्रॉम वेल एंड हैंडपम्प, कुएं से और हैंडपम्प से हम क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं। अभी इन सब में पानी कहाँ से आएगा? यस, जो बारिश आती है इसका पानी सालों में जाता है, ओशन में जाता है, रिवर में जाता है, लेक में जाता है, पॉन्ड में जाता है, स्प्रिंग्स, वेल, हैंडपम्प, ट्यूबवेल। अब आपको हैंडपम्प जमीन के अंदर,
जो बारिश का पानी ज़मीन पे गिरता है वो पानी ज़मीन अंदर सोख लेती है और वो पानी नीचे जाके जमा होता है, और जब हम हैंडपम्प या ट्यूबवेल करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, वो इकट्ठा होया हुआ पानी हमारे पास आता है। अंडरस्टैंड? यानी अपना मेन सोर्सेस ऑफ वाटर क्या आएगा? रेन, और उसके बाद ओशियन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड्स एटसेट्रा, ये सारे क्या आते हैं? सोर्सेस ऑफ वाटर। तो आज हमने क्या देखा? सोर्सेस ऑफ वाटर एंड यूजेस ऑफ वाटर। अब देखो, हम लोगों ने भी चैप्टर एक नहीं किया है तो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 जो पेज नंबर 29 पर है ये भी रीड करेंगे, एंड 26 ये वाला भी अपना रीड नहीं हुआ है। ओके, तो आज हमने देखा सोर्सेस ऑफ वाटर तो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ तक अब हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर रीड करेंगे। तो यस एवरीबॉडी, ओपन योर बुक पेज नंबर 29 एंड चैप्टर नंबर 5। फास्ट ओपन योर बुक चैप्टर 5 वाटर फॉर लाइफ। ये आपको सारा समझा के हो चुका है, सिर्फ आज हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, वी नीड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। हाउ डू यू फील इफ यू डू नॉट ड्रिंक वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम? वी कैनॉट लिव मोर देन ए फ्यू डेज विदाउट वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। इफ यू डोंट वाटर ए प्लांट इट विल स्टार्ट withering away and will slowly die. Water is present on a large part of the earth. It covers about 70% of the earth's surface. Yes, देखो, water is colorless, water has no taste, water has no smell. अब ये हमें कैसे पता चला? देखो यहाँ पे है ना कुछ pictures दिए हुए, take a glass and fill it with water, watch it carefully, has it any color? No, water is colorless. Taste the water, is it sweet, salty, sour or bitter? Water has no taste, it gives the taste of the substance dissolved in it. Third, dekho, smell the water of glass brings it near your nose, has it any smell? Water has no smell. ओके, अब देखो ये जो 3 एक्सपेरिमेंट बताए हुए थे उस पर से क्या निष्कर्ष निकला है? Water is colorless, water has no taste, water has no smell. Forms of water. Water exists in 3 forms: liquid, solid and gas. Water in its common form is a liquid. It can flow and has no shape of its own. It takes the shape of the vessel it is poured into. Due to heating and cooling, it changes from one form to another. Water takes the shape of the vessels it is poured in to. When water is cooled to 0 degrees, it freezes to ice. Ice is the solid form of water. Ice is lighter than water. That is why ice and big icebergs float on the ocean water. If water is heated for some time, it changes into steam or water vapor.
water vapor can be changed back into water by cooling as is shown in the picture. About 65% of our body weight is of water. The body keeps losing water in sweating through pores in the skin. The body passes the urine several times a day. That is why we should have plenty of water. Water vapor can be changed back into water by cooling as is shown in the picture. Next step name, uses of water. We use water for many purposes in our daily life. The most important use of water as it is used for drinking. It is used for bathing, cooking food, cleaning things like utensils and floor, washing the clothes, etc. Water is also used to extinguish fire. This is an important extinguish fire. Like us, water is also necessary for plants and animals. Yes, इंसान की तरह एनिमल्स और प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत रहती है. सोर्सेस ऑफ वाटर, वी फाइंड वाटर इन ओशियन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड वेल्स. इट इज आल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड. वी गेट दिस अंडरग्राउंड वाटर थ्रू हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स. Rain is the main source of water. All the above sources receive water from rain. Okay? देखो, uses of water, sources of water और water की जो three forms है ये हम लोगों ने यहाँ तक अपना discuss हो चुका है. अब आगे वाला chapter हम next period में इसी chapter का आगे वाला part हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे. ओके, आपको क्या करना है, वर्क भी दिया था मैंने आपको कुछ, नहीं वर्क नहीं दिया था. आपको क्या करना है, ये चैप्टर जैसे मैंने आज 29, 30 पेज नंबर और 31 का सोर्सेस ऑफ वाटर यहाँ तक रीड किया है. ये आपको क्या करना है, रीड करना है यहाँ तक. ओके, नेक्स्ट पीरियड में इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखा जाएगा. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों.